नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी 2-11। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेज नर्सरी 2, 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी 2 क्लास 9th एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी 2 क्लासेज 9th एंड 11। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। बुधवार को महानवमी का उत्साह समूचे जनपद में दिखाई दिया। देवी भक्तों ने व्रत धारण करते हुए देवी के नौवे स्वरूप की आराधना की। देवी मंदिरों में अपनी हौजरी लगाते हुए विधि विधान पूर्वक माता की पूजा अर्चना की। 9 दिनों तक व्रत रखे भक्तों ने घरों मंदिरों में हवन पूजन कराया। गौरतलब है कि हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है और मां के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि का इंतजार रहता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि पर्व आते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। लेकिन चैत्र व शारदीय नवरात्रि की हमारे शास्त्रों में विशेष महत्ता बताई गई है। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के इस रूप की उपासना करता है, वह सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मां सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस अवसर पर शहर व आसपास के देवी मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़ के बीच देवी भक्तों ने जहां मां को विदाई दी, वहीं विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन दान पुण्य कर पर्व को पूर्णता प्रदान की। शहर के चौक स्थित दक्षिण मुखी मंदिर में तो तड़के से भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। नवमी पूजन व मां की विदाई के निमित्त देवी भक्तों ने आधी रात के उपरांत से ही विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और पूजन के उपरांत इन्हें मां को समर्पित किए। माता को ममतामयी विदाई देने से पूर्व उन्होंने नवमी के दिन नवम दुर्गा मां सिद्धिदात्री की उपासना की। नगर के सभी देवी मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मंदिरों से लगायत घरों में विधि विधान पूर्वक हवन पूजन का कार्य संपन्न हुआ। हवन की सुवासित सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। नवरात्रि में अपनी 9 शक्तियों के साथ अवतरित रही मां की विदाई के बाद भक्तगण भगवान राम के प्राकट्य खुशियों में लीन हो गए। आज बहुत बड़ा अलग उपलक्ष्य है और भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है और हम तो व्यक्तिगत 9 दिन का व्रत रहे हैं, कल पारण होगा इसका। और आज माता रानी का दर्शन करने के बाद हवन पूजन किया गया है और कल पारण होगा।
आज के दिन का बहुत महत्व है। माता ममता मई माँ की परिभाषा ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है पूजा करने के लिए। आज जो करता है पूजा, वह जीवन भर ममता मई माँ से जुड़ा रहता है, उनके शरणागति रहता है। सुबह उठ करके पूजा पाठ करना, कढ़ाई चढ़ाना, धार देना, और रात भर जा करके माता का जागरण करना, भोजन बनाना, चढ़ाना, अपने अपने घर की सुख संपत्ति के लिए, पूरे विश्व की सुख संपत्ति के लिए लोग महिलाएं पूजा करती हैं। इन महिलाओं में ही माता जी का रूप है, दिव्यांश है, यह लोग देवी का स्वरूप है माता। इनकी हवन पूजा समापन हो गया सब। आज नवमी है, रात में नवमी का पूजा हुआ है घर पे, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो यहाँ अपना जो पूजा पाठ हुआ वो किए हैं। और हम लोग आने वाले हैं चंदौली जिला के, हाँ, यहाँ मेरा बेटा स्टोन है, हाँ यहाँ पूजा पाठ की हूँ रात में। उसके बाद सुबह आप यहाँ पूजा पूर्ण होती है, पूजा हुआ है, हवन हुआ है मंदिर पर, पूजा हुआ और हवन हुआ है, हवन के साथ नौ दिन का समापन हो गया। हाँ, नौ दिन का समापन हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 1016 कैंडिडेट पास हुए। इस परीक्षा में आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के गंधुई गांव के रहने वाले हार्दिक चंदेल ने 304वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए हार्दिक चंदेल ने 3 अटेम्प्ट दिए। तीसरी अटेम्प्ट में हार्दिक चंदेल का चयन हो गया था और दिल्ली के दरियाबाद में वे अंडर ट्रेनिंग भी थे। वर्ष 2022 में दिए गए अटेम्प्ट में हार्दिक चंदेल को 700वीं रैंक मिली थी। यही कारण है कि 2023 में सिविल सेवा की परीक्षा फिर दी और इस बार 304वीं रैंक हासिल हुई। हार्दिक चंदेल की सफलता से इंजीनियर पिता अरुण कुमार सिंह, इंजीनियर बहन और माँ काफी खुश हैं। इसके साथ ही गांव में रहने वाले हार्दिक चंदेल के बाबा भी अपने पोते के सिविल सेवा आने पर काफी खुश नजर आ रहे हैं, और इस खुशी में गांव में मिठाई भी बांटी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए हार्दिक चंदेल के पिता इंजीनियर अरुण सिंह ने बताया कि मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी बैंगलोर में आईटी इंजीनियर है, जबकि बेटे हार्दिक चंदेल का चयन सिविल सेवा में हुआ है। इससे पूर्व भी बेटे का चयन 2022 में सिविल सेवा में हो चुका है और बेटा दिल्ली के दरियागंज में अंडर ट्रेनिंग कर रहा है। पिता अरुण सिंह का कहना है कि बेटा शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ही मेधावी रहा है, जहां भी बेटे की शिक्षा हुई है वहां टॉप किया है। इसके साथ ही बेटा बहुत अच्छी हैंड स्केचिंग भी करता है। सिविल सेवा में चयनित हार्दिक चंदेल ने बताया कि कक्षा 12 तक की शिक्षा दिल्ली के डीएवी इंटर कॉलेज में हुई, जबकि ग्रेजुएशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हुई है। हार्दिक चंदेल ने बताया कि विगत 4 वर्ष से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था और इसको लेकर लगातार अटेम्प्ट भी दिए जा रहे थे। हालांकि हार्दिक चंदेल का तीसरी अटेम्प्ट में सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया था, पर रैंकिंग कम होने के कारण चौथी बार भी सिविल सेवा की परीक्षा पास की। उनका कहना है कि सिविल सेवा में आने के बाद काफी कुछ सीखने को मिलता है और आम जनता के लिए बहुत कुछ किया भी जा सकता है। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए सिविल सेवा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। निश्चित रूप से इसी कारण सिविल सेवा में जाने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ इस परीक्षा में आजमगढ़ की बेटी आकांक्षा सिंह ने 44वीं रैंक हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। आकांक्षा सिंह को यह सफलता 5th अटेम्प्ट में हासिल हुई है। आकांक्षा सिंह के पिता चंद्र कुमार सिंह बिहार कैडर के पीसीएस अधिकारी रहे हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार से झारखंड चले गए और झारखंड से ही वर्ष 2020 में रिटायर हो गए। झारखंड से रिटायर होने के बाद चंद्र कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ वाराणसी में रहते हैं। चंद्र कुमार सिंह आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील के रहने वाले हैं। आकांक्षा सिंह के पिता चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सिविल सेवा में होने के कारण घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए सपोर्टिव माहौल मिला है। यही कारण है कि एक बेटा बैंगलोर से इंजीनियरिंग कर रहा है और जबकि बेटी का आज सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया। पिता का कहना है कि बेटी हमारी शुरू से ही टॉपर रही है, यही कारण है कि आज यह सफलता हासिल हुई है। आकांक्षा की माँ हाउसवाइफ है, बेटी की सफलता से माँ
और पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आकांक्षा सिंह ने बताया कि डेढ़ वर्ष पहले रांची विश्वविद्यालय के SS मेमोरियल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। सिविल सेवा में जाने के सवाल पर आकांक्षा सिंह का कहना है कि सिविल सेवा में जाने की प्रेरणा पिताजी से और मामा रंजीत सिंह से मिली। मामा रंजीत सिंह इंडियन कॉरपोरेट लीगल सर्विस में कार्यरत है। जी, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। मैंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 44th रैंक हासिल किया है और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था ओवरऑल। तो इस एग्जाम के लिए प्रेरणा देने के लिए मेरे फैमिली में मेरे पिताजी और मेरे मामा जी रहे हैं और मेरा ऑप्शनल इसमें ज्योग्राफी था और ये रैंक हासिल करने के लिए मुझे आज बहुत खुशी है। बेरोजगारी पर BJP सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के दिए गए बयान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने निरहुआ पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी जैसे मसले पर अपने दिव्य ज्ञान से जनता के ज्ञान चक्षु खोलने वाले आजमगढ़ से भाजपा के सांसद प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने जो बेतुका बयान दिया और उसमें मोदी जी और योगी जी को भी लपेटा था। मामले को तूल पकड़ने पर भाजपा द्वारा उपलब्ध कराई गई स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया जिसमें वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक वीडियो और AI तकनीकी जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल था, हालांकि उनको इन टर्मिनोलॉजी के बारे में शायद पता भी ना हो। मंगलवार को जब पत्रकारों ने कैमरे के सामने आकर के उनको एक्सपोज किया तब उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनका ही वीडियो था। इसके पहले वह FIR की धमकी दे रहे थे। जो व्यक्ति चुनाव के पहले इतना बड़ा झूठ जनता के सामने बोल सकता है वह चुनाव बाद क्या करेगा? जनता को इस पर विचार करना चाहिए। दीवानी न्यायालय में निरहुआ प्रचार करने गए थे लेकिन हमारे अधिवक्ता साथियों ने उनका विरोध किया। उनके विरोध कारण यह था कि वे लोग महीनों से कुछ मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन निरहुआ कभी उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछने तक नहीं आए और आज चुनाव में वोट मांगने आ गए। इस बात को लेकर के उनका विरोध अधिवक्ता साथियों ने किया था लेकिन विरोध के उपरांत उन्होंने अधिवक्ता साथियों के प्रति बहुत ही अपमानजनक बयान दिया। उनको गुंडा तक बोला जो कि बहुत ही निंदनीय है। अधिवक्ता साथी हमेशा शोषितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और उनके प्रति निरहुआ का इस तरह का बयान अपमानजनक है। उनको अधिवक्ता साथियों से माफी मांगनी चाहिए। बेरोजगारी जैसे मसले पर अपने दिव्य ज्ञान से जनता के ज्ञान चक्षु को खोलने वाले आजमगढ़ से भाजपा सांसद पद के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी ने जिस तरह से बेतुका बयान दिया था और उस बेतुके बयान में अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को भी लपेटे में लिया था, उसके बाद उस बयान को झुठलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोवाइड कराई गई स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम किया जो कि एक कलाकार हमेशा करता है। और स्क्रिप्ट में लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक वीडियो, ये स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा। हालांकि एक टर्मिनोलॉजी के बारे में उनको मुझे लगता है कुछ पता नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है। खैर, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीता हमारे पत्रकार साथियों ने जब उनको एक्सपोज किया कैमरे के सामने आकर कि हमने वीडियो शूट किया था, तब वो बैक फुट पे आते हैं और कहते हैं हाँ वीडियो हमारा ही है और इसमें से कुछ अंश दिखाया गया। इसके पहले वो धमकी भी दे रहे थे कि हम FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस तरह से एक महाझूठे प्रत्याशी को आजमगढ़ की जनता कैसे अपना वोट देगी, कैसे अपना आशीर्वाद देगी? जो चुनाव के पहले इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहा है वो चुनाव के बाद क्या करेगा? तो जनता को तो इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने कल दीवानी न्यायालय में गए थे हमारे अधिवक्ता साथियों से मिलने, वहां पे अधिवक्ता साथियों ने उनका विरोध किया। और विरोध इसलिए किया कि उनके कुछ इश्यूज थे जिस इश्यूज को लेकर के वो विगत कई महीनों से धरनारत थे और इसमें उन्होंने बॉयकॉट भी किया था, बहुत आंदोलित थे हमारे अधिवक्ता साथी और उन्होंने कभी उनके बीच जाकर के उनकी समस्या को नहीं सुना कि क्या समस्या आपकी है, आप लोग क्यों आंदोलित हैं, क्यों धरनारत हैं। और कल वो जब वोट मांगने गए तब हमारे अधिवक्ता साथियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने अधिवक्ता साथियों को गुंडा जैसा शब्द का इस्तेमाल किया उनके प्रति। तो जो समाज के पढ़े लिखे वर्ग एक अधिवक्ता साथी होता है, समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हमारा अधिवक्ता,
उसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने इस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही निंदनीय शब्द है। आजमगढ़ पुलिस ने जिले के गांजा तस्कर मुलायम और सूर्यभान मौर्य सहित 5 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। आजमगढ़ में 11 अप्रैल 2023 को निजामाबाद थाने की पुलिस और स्वाट टीम ने छापेमारी करते हुए आर्मी ऑन ड्यूटी लिखी ट्रक से 309 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने गांजे के साथ सूर्यमणि यादव और अनुरोध कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, तो इस मामले में आजमगढ़ के गैंग लीडर मुलायम मौर्य, सूर्यभान, मनोज कुमार सिंह और मखांचू ठठेरा का नाम सामने आया। इन आरोपियों में सूर्यमणि यादव प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है, जबकि अनुरोध कुमार सिंह बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला है, जबकि मखांचू गाजीपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में निजामाबाद थाने की पुलिस ने गैंग लीडर मुलायम और सूर्यभान को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव, निरहुआ समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव व बहुजन समाज पार्टी ने भीम राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं मूल निवासी समाज पार्टी ने भी आजमगढ़ सदर सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बुधवार को शहर के गंगोत्री होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर ने सदर लोकसभा आजमगढ़ से राघवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की। इस मौके पर अंबेडकर नगर की प्रत्याशी नीलम सिंह, मऊ जनपद के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता राम आशीष राय उपस्थित रहे। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान केंद्रीय कमेटी के नेता राजधारी राजभर, संजय कनौजिया आदि मौजूद रहे। इस मौके पर आदित्य नारायण राजभर को आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष बनाया गया तथा नीलम सिंह को अंबेडकर नगर का महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर ने कहा कि प्रत्येक बिरादरी के अमीर अपनी बिरादरी के गरीबों का खून चूस रहे हैं। लड़ाई जाति बिरादरी की नहीं है, असल लड़ाई अमीर बनाम गरीब की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए भीमसेन राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश जी ने बिरादरी के नाम पर सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला किया है। आजमगढ़ सदर से प्रत्याशी घोषित किए गए राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वह मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले के निवासी हैं और कई वर्षों से गरीबों के बीच सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मूल निवासी समाज पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम यहाँ आजमगढ़ सदर से अपने प्रत्याशी घोषित करने के लिए जो है एक प्रेस वार्ता रखे हैं और हमारे इस सदर लोकसभा क्षेत्र से राघवेंद्र सिंह जी हमारे बगल में बैठे हैं। आप सदर लोकसभा के प्रत्याशी हैं और इन्हीं की घोषणा है। क्या इनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं? इनका राजनीति बहुत लंबे समय से सोशल वर्क कर रहे हैं और आज के समय में जिस तरीके से धन पशुओं का बोलबाला है, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, एक्सपोर्ट करके लाए जा रहे हैं प्रत्याशी, जैसा कि आजमगढ़ सदर में आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल बाहरी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं, आपके अंबेडकर नगर के हैं और इनका कर्म भूमि यहाँ है, आजमगढ़ है, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर दौड़ते हैं, भागते हैं, यहीं तमाम लंबे समय तक संगठन का कार्य कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है, मतलब आजमगढ़ के अलावा? अंबेडकर नगर से नीलम सिंह जी हैं और मऊ से लीलावती राजभर जी हैं और आपके आजमगढ़ सदर से राघवेंद्र सिंह जी हैं। तो कितना लंबा आपका राजनीतिक करियर है, मतलब ये पार्टी कितनी पुरानी? पार्टी हमारी
25/5/2010 से रजिस्टर्ड है और हमने यहाँ पर 2014 का लोकसभा भी लड़ा था, राजधारी राजभर यहाँ लड़े हैं। हमारी पार्टी जो है बिहार के गया, नवादा, नालंदा में लोकसभा, विधानसभा सभी चुनावों को लड़ी है, अभी भी लड़ रहे हैं। नालंदा से प्रत्याशी हैं दिलीप राणा जी, कोडरमा से जो है अजय कृष्ण मोदी जी हैं कोडरमा से, तो कोडरमा में भी हमने लोकसभा और विधानसभा लड़ा, बहुत अच्छा हमने फाइट किया है। और बिहार में गया से लोकसभा लड़े, बहुत अच्छी फाइट किए, विधानसभा लड़े, गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़े थे हमारे, बहुत अच्छा कैंडिडेट ने हमारा फाइट किया था, हम अकेले हमेशा चुनाव लड़े हैं। और अब की बार लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का हम लोगों ने फैसला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनाव 2022 में हमने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इस शर्त पर किया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद राजभर समाज के आरक्षण और किले खंडहरों के संरक्षण का कार्य करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं उतना दोषी नहीं मानता हूँ जितना दोषी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिन पैदी के लोटा की राजनीति के बारे में जाने माने वाले ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमेशा इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। माननीय अमित शाह जी आरक्षण के घोषणा करने वाले थे, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले सारी तैयारी हो चुकी थी, हाई कोर्ट का आदेश भी था। एन मौके पर जैसे उनको खबर लगी कि अगर राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी आरक्षण दे देगी तो हमारे हाथ से राजभर निकल जाएगा, और उन्होंने एन मौके पर पहुंच करके माननीय अमित शाह से कहा कि आप हमें मंत्री बना दीजिए, हमारे बेटे को घोसी से जो है सांसद बना दीजिए, एमएलसी बना दीजिए, और सारा राजभर का वोट हम आपको ट्रांसफ़र करा देंगे। इस तरीके से राजभर परिवार, राजभर समाज के हक और अधिकार का हिस्सा जो मिलने वाला था वो ओम प्रकाश राजभर जी अपने परिवार के हित में सौदा कर लिए। इसलिए मजबूर होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का रास्ता अपनाया और लोकसभा चुनाव 2024 में हमने अपने प्रत्याशी अंबेडकर नगर से, आजमगढ़ से, मऊ से खड़े किए हैं। और हमारे अभी 5 प्रत्याशी हैं। मैं राघवेंद्र सिंह, मिर्जापुर अकबरपुर अंबेडकर नगर के रहने वाला हूं, जो कि आज 10 साल से समाज का सेवा किया हूं। और समाज का सेवा करते करते मैंने देखा कि समाज में जो बड़े लोग हैं इनके लड़के DM, SP, कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे आजकल खाने के लिए मर रहे हैं, उनको बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, ना बच्चे का स्वास्थ्य मिल रहा है। सरकार कहती है कि मैंने शिक्षा दिया, मैंने स्वास्थ्य दिया, लेकिन हॉस्पिटल में जाओगे दवा नहीं मिलेगा, कॉलेज में जाओगे आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। इसलिए मैंने समाज में उतरा कि मैंने गरीबों का साथ, गरीबों का विकास करते हुए, जितने गरीब बच्चे हैं इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ का संघर्ष करते हुए आज तक मैंने लड़ाई किया है, और आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक मेरे गरीबों के लिए न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। चाहे जहाँ तक लड़ाई करना होगा हम लोग लड़ाई करेंगे। कई बार हौसलों के चराग बुझने लगते हैं और उम्मीदों की लौ मध्यम पड़ जाती है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे पानी पत्थरों के बीच से अपना रास्ता अपनी गति बना लेती है, वैसे ही प्रतिभा भी अपना रास्ता बना ही लेती है। और उसी के उदाहरण है जनपद के रवि यादव, जिन्होंने ऑल इंडिया में निकले मात्र एक पद पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का झंडा पूरे देश में फहरा दिया है। जी हां, आपको बता दे कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के चतुरपुर खास गांव निवासी रवि यादव का इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ है। इससे पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गयी है। गांव के लोगों ने रवि यादव के घर पहुंचकर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गांव में खुशियां मनाई। बता दें कि रवि के पिता इंद्रजीत यादव किसान हैं। इंद्रजीत यादव के 3 लड़के हैं, जिनमें रवि दूसरे नंबर पर हैं। रवि के बड़े भाई प्राइवेट जॉब करते हैं और छोटे भाई अभी तैयारी कर रहे हैं। रवि की प्राथमिक शिक्षा लोधी किसान इंटर कॉलेज और माध्यमिक शिक्षा पूर्व माध्यमिक विद्यालय थिरेपट्टी से हुई।
रवि ने लोधी किसान इंटर कॉलेज महादेवपुर से हाई स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद ओम कृष्ण कोचिंग सेंटर से इन्होंने पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की और एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें इन्हें सफलता मिली। तत्पश्चात इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अकबरपुर अंबेडकर नगर से पॉलिटेक्निक किया। इसके बाद इसरो की वैकेंसी 2020 में आई। 2023 जून में इन्होंने इसमें परीक्षा दिया। सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद 15 अप्रैल 2024 को रवि का चयन इसरो में हो गया। रवि के परिजन एडवोकेट रंजीत यादव, जगदीश यादव प्रवक्ता नवोदय विद्यालय, चंद्रपाल यादव, अरुण यादव ने रवि को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जमकर खुशियां मनाई। रवि के पिता इंद्रजीत यादव ने बताया कि वह कड़ी मेहनत करके अपने पुत्र रवि को इलाहाबाद भेजकर तैयारी करवाए, जिसका परिणाम आज उन्हें मिला। रवि के पिता के चेहरे पर गजब की खुशी देखने को मिली। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे भारत में इसरो द्वारा सिर्फ एक सीट के लिए यह वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें रवि का चयन हुआ है। रवि का इसरो में चयन होने से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। इसरो में वैज्ञानिक सहायक पद पे अहमदाबाद में कल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, सिलेक्शन वहाँ पे होगा मेरा। ये कितने तारीख को आपने एग्जाम दिया था और कैसे क्या हुआ? ये वैकेंसी 2020 की थी और एग्जाम डिले हुआ 2023 में जून में, और फिर अगला प्रोसेस इसका स्किल टेस्ट था। इसके बाद फिर मेरा अभी कल फाइनल रिजल्ट आया है। इसमें केवल एक ही सीट थी और फिर जिसपे स्किल टेस्ट के लिए 12 लोग बुलाए, जिनमें क्वालिफाई कराया 5 लोग, इस बार फाइनल रिजल्ट एक ही, एक लोग का सिलेक्शन कराया है। ये ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट? हाँ जी जी, ऑल इंडिया लेवल पे था। इसरो का टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे था, केवल ऑल इंडिया एक सीट थी इसपे। अच्छा, जी इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं अपने पूरे फैमिली को देना चाहूंगा और मेरे दोस्त जो जिनका सपोर्ट था, मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट था। पढ़ाई आपने कहां से की है? मेरे शुरुआती पढ़ाई हाई स्कूल मैंने महादेवपुर इंटर कॉलेज से किया हूँ, लोधी किसान इंटर कॉलेज से किया। और फिर मेरा पॉलिटेक्निक निकला, तो मैं पॉलिटेक्निक जो अम्बेडकर नगर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर से, वहाँ से मैंने पॉलिटेक्निक किया। आपका जब यहाँ से निकला ये हाई स्कूल जी, जहाँ भी पढ़े तो इसके बाद आपने तैयारी भी कहीं? जी मैंने इलाहाबाद कंटिन्यू वहाँ पे लग के मैंने 7-8 साल कंटिन्यू, और सारे गवर्नमेंट सारे एग्जाम देता था, कंटिन्यू लगातार एग्जाम देते थे। सब मैक्सिमम एग्जामों में हम कुछ नंबर से फाइनल सिलेक्शन से मेरा रुक जाता था। फाइनली अब सिलेक्ट हो गया हूँ इसरो में। जैसा कि आप गांव से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किए हैं, तो यहाँ के बच्चों को भी आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि अगर बच्चे भी आपकी तरह जो है इस तरह कामयाबी हासिल करें? जी मैं लोगों को यही मतलब कहूँगा कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें और मतलब एग्ज़ाम को अपने मतलब टारगेट करें और एग्ज़ाम को देखते रहे और कंटिन्यू एग्ज़ाम देते रहे, उस पर फोकस करें, पढ़ाई पर तैयारी बनाए रहे अपना। और अगर कोचिंग सुविधा नहीं मिल पा रही तो बाहरी कोचिंग पकड़े और वहाँ से अपना टारगेट बनाए रहे। वैकेंसी आती रहती है, निकलती रहती है कभी ना कभी, और उसमें देते रहे एग्जाम, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा उनको। खुशी तो इतनी हो रही है कि उसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। बहुत खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो सपना हम लोगों का था, परिवार का था, इन्होंने साकार किया है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ये बेसिकली जो है यहीं पर पहले पढ़े पहले बढ़े हैं, तो मतलब शुरुआत में कैसा था इनका नेचर, मतलब किस तरह से ये, क्या मेहनत करते थे शुरू से ही या फिर जा करके तैयारी किए तब मेहनत शुरू किए, कैसा था? जैसे बचपन से ही जो है बहुत ही संघर्षी लेबोरियस थे। अच्छा। और ये जो है कि जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, हमारा बेटा भी इनके साथ, दो जैसे 3-4 बच्चे थे गांव के और सब लोग पढ़ते थे, ये हमेशा इनको देखते थे कि मतलब परीक्षा कोई होती थी तो एग्जाम में 2-4 नंबर 10 नंबर हमेशा उन बच्चों से आगे बढ़ के रहते थे। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं से कि सारे बच्चे टॉपर हैं और इनका जो है कि जिस तरीके से संघर्ष है, निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल। परिवार जनों का कितना सहयोग रहा?
परिवार का सपोर्ट पूरा रहा, सब लोग मिल करके, भाई पूरा परिवार हमारा संगठित परिवार है, तो सब लोग मिल करके जो है संघर्ष करते हैं और सबका सहयोग रहता परिवार के पर हर्ष है हमें। और मैं चाहूँगा किसी तरह से हमारे गांव पड़ोस के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। प्राथमिक शिक्षा इनकी महादेवपुर से बता रहे हैं, कितना आप मतलब स्ट्रगल किए, कितनी मेहनत किए जिसके बाद इनको ये सफलता मिली है? हाँ भाई, मेहनत तो बहुत किए, हम लोग भी संघर्ष किए, परिवार के लोग भी सहयोग किए और मन लगा करके मतलब तैयारी किए भगवान के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से जो है उनको सफलता मिली। अच्छा, बेसिकली आप जो है किसान हैं एक तरह से? जी किसान हम किसान हैं। मतलब कितनी कठिनाइयां हुई क्योंकि इलाहाबाद में रह करके? हाँ, इलाहाबाद में भाई खर्च ज्यादा, महंगाई का समय है और बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई लिखाई, लेकिन हम तो मेहनत करके पैसा ही दे सकते हैं, लेकिन लड़का जो है बहुत परिश्रम और लगन से मेहनत किए और सफलता। आज आपकी मेहनत का सफल वो हुआ? मतलब हाँ, बहुत हमारी मेहनत और बच्चे की लगन और मेहनत जो है सफल हुई और बड़े खुशी की बात यह है कि जो देश की सबसे बड़ी संस्था है इसरो, उसमें स्थान मिला, इससे हम अपार हर्ष है। भय प्रगट कृपाला दिन दयाला के उद्घोष के बीच बुधवार को रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग आर्यमगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा आजमगढ़ नगर के प्रमुख मंदिरों पर भगवा ध्वज लगाकर श्री रामोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिधारी के हाईडील स्थित बजरंग बली के मंदिर से करते हुए शंकर जी की मूर्ति, सिधारी पुराना पुल, रैदोपुर, सिविल लाइन, रोडवेज, नगर पालिका, मात बरगंज, बड़ादेव चौक, पुरानी कोतवाली, मुकेरीगंज, बिलरिया की चुंगी, ब्रह्मस्थान, पांडे बाजार स्थित मंदिरों पर भगवा ध्वज लगाते हुए बड़ा गणेश मंदिर पर कार्यक्रम का समापन हुआ। नगर अध्यक्ष अरविंद मोदनवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर विहिप द्वारा नगर के प्रमुख देवस्थलों पर भगवा ध्वज लगाकर कार्यकर्ताओं द्वारा रामोत्सव मनाया जाता है। अब की बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत पहली रामनवमी है और यह दिन हिंदू समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं उत्साहवर्धक है। इस अवसर पर प्रांत संयोजक गोरक्षा गौरव रघुवंशी, विभाग संयोजक कुंवर गजेंद्र सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष दीनानाथ सिंह, जिला संयोजक उत्कर्ष, बजरंगल विद्यार्थी संपर्क प्रमुख अंकुर गुप्ता, नगर संयोजक हिमांशु राज, राजेश्वर, दुर्गेश वर्मा, सुधांशु जायसवाल एवं शिवम समेत अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।